हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कपूर फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है शनिवार, तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैं बच्चों के लिए जाने के लिए बस लंच वगैरह तैयार कर रही हूँ। और आज उनको मैं लंच में दूंगी नमकीन सेवियाँ, क्योंकि सैटरडे को ना उनको अलाउड होता है कि भाई वैसे तो वो सब्जी और परोंठी लेके जाते हैं, पर उनको ये होता है कि सैटरडे को कुछ अलग सा ला सकते हो, पर जंक फूड अलाउड नहीं है इनके स्कूल में। और मैक्रोनी और टोस्ट ना ये बहुत बार लेके जा चुके हैं, तो बच्चे ना फिर एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ना कावे ने मना कर दिया कि मम्मी ना ही मैं मैक्रोनी लेके जाएंगे ना ही टोस्ट लेके जाएंगे, कुछ अलग सा बना दो। तो फिर मुझे ध्यान आया कि नमकीन सेवियाँ बना देती हूँ, और इसमें सिर्फ मैंने आलू प्याज डाले हैं। और जो बच्चे खुश हो के खा ले तो बस वही भी चीज़ बनानी चाहिए और वही चीज़ डालनी चाहिए। अगर मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ डाल दूँगी ना तो बच्चे वो सारी चीज़ साइड में कर देंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या डालने का। और ये ना चाउमीन की तरह भी बन सकती है, इसमें आप सोया सॉस वगैरह भी डाल सकते हो, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और ऐसे सिंपल तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है खाने में ये, और जल्दी भी बन जाती है 10-15 मिनट में। जैसे नमकीन चावल बनते हैं ना, बस वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। और दूसरी तरफ बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है, और अब देखते हैं यहाँ पर हमारी नमकीन सेवियाँ बनी है या क्या है अभी। तो बस प्लेट वगैरह अभी हट नहीं रही थी मेरे से, प्लेट नीचे भी गिर गई थी, और अब मैं चेक कर लूँगी। और ये बहुत जल्दी से ना बन जाती है और अच्छी लगती है खाने में ना। और ये देखो यहाँ पे ये बन गई है, पूरा पानी सूख गया है। तो बस बच्चों का लंच वगैरह पैक करूँगी मैं, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में बच्चों को स्कूल भेज के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बस मैं नहा के आ गई हूँ, और ना अब नाश्ता करने लगे हैं। अभी काम वाम कुछ भी नहीं हुआ है, नाश्ता डाल लिया मैंने इनका और अपना, तो काम बाद में करूँगी, पहले नाश्ता करूँगी उसके बाद काम करूँगी। और अभी ना चाय भी गिर गई आज माइक्रोवेव में, ना चाय गर्म कर रही थी मैं, चाय तो बन चुकी थी, मैं चाय बना के नहाने गई थी और अब माइक्रोवेव में गर्म करने लगी तो चाय गिर गई मेरे से। तो चलो फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद काम वाम स्टार्ट करूँगी अपना। अब नाश्ता वगैरह हो गया, बस ये भी काम पे चले गए थे और मैं थोड़ी देर ना यहीं बैठ गई, और अब लगाऊंगी पोछा, पानी भर लिया मैंने। और काम ना मेरा पहले हो गया था, झाड़ू वाड़ू लग गया था, मतलब पोछा नहीं लगाया था मैंने। काम अभी ऐसे ही हो रहा है मेरा, बस आधा काम पहले कर लेती हूँ, थोड़ा सा बचता हूँ बाद में करती हूँ। एकदम से होने रहा, पैरों में ना दर्द होता है, और वैसे ही पोछा मुझे पैर से ही लगाना है। अब मुझे लेना पड़ेगा स्टैंडिंग वाला पोछा, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने ना बिल्कुल मना कर दिया कि बैठ के तो पोछा लगाना ही नहीं है, ये बोल दिया है, तब मुझे मजबूरी में लेना पड़ेगा वो। अब बच्चे तो बोल रहे मम्मी, बच्चों को शौक चढ़ रहा है कि मम्मी कब लोगे कब लोगे, मेरे से ज़्यादा उनको इंतज़ार है उस पोछे का। तो वो लेके आएंगे बस, नहीं तो अभी पैर से ही लगा रही हूँ। और ये यहाँ पे देखो, ये टैडी और मैं बैठे हुए हैं, और ये ना इन्होंने मुझे शादी से पहले दिया था, ये वाला टैडी मेरे बर्थडे पे दिया था। एक और दिया था, वो इससे बड़ा है, वो मैंने रखा हुआ है। तो बच्चे ना ख़राब कर देते हैं, देखो इसका भी क्या हाल कर दिया, सारी रुई वगैरह निकल रही है, ख़राब कर दिया इसको सारा। तो चलो फिर पहले पोछा वगैरह लगाती हूँ, नहीं तो फिर बातें करने बैठ जाओ तो बात तो कभी ख़त्म नहीं होती हमारी। पोछा लगाती हूँ जल्दी से। दोनों बच्चे आ गए स्कूल से और अब खाना खा रहे, और एक ने बनवाई है आलू वाली परोंठी और एक ने प्याज वाली परोंठी बनवाई है मेरे से, है ना। और कावे देख लो साथ साथ होमवर्क भी कर रहा है, इसको पहले नहीं पता होता लड़के को, और अभी इनको ट्यूशन जल्दी जाना है। कावे पहले खाना खा ले बाबू, पहले तो पता नहीं था, है ना, याद नहीं रहा। तो कोई नहीं, अब दीदी याद दिला देंगी फिर ट्यूशन में। जल्दी जल्दी खाना खाओ, अब टाइम होने वाला है। और याना अपने आप खाने लग गई अब, है ना, याना अब गुड गर्ल हो गई, अपने आप खाती है। yes, yes, yes. A few moments later. कावे उठ जाओ बाबू, आज इतने दिनों बाद, पता नहीं दिनों क्या सालों बाद ही कावे सोया होगा दोपहर में। इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है तो ये सो गया। ये गर्म क्यों लग रहा है, गर्म लग रहा है ये तो, इसको बुखार है, बुखार लग रहा है इसे, गर्म लग रहा है। ये भी आ गए हैं, अभी आए हैं, बहुत तेज बुखार लग रहा है। तेजस को देखो, है ना, ये कहाँ गया था स्कूल में, कहीं नहीं, देखो माथा चक्कर आ रहे थे स्कूल
ये ट्यूशन से आया है, मुझे बोल रहा है मैं चक्कर आ रहा है, मुझे लगा शायद ऐसे ही बोल रहा होगा। निकर पहन लिया था? नहीं, पैंट है इसकी तो, निकर थोड़ा है। ट्यूशन में है? हाँ। या ना ट्यूशन में निकर पहन गया बाबू? मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा ये तो ऐसे ही सो गया। पैर सीधा करना, पैर सीधा कर। तो बुखार चढ़ गया ऐसे तो, बहुत गर्म है यार ना। कोई नहीं, एक मिनट ना, पैर सीधा कर। नहीं ये पैर कर सीधा, ये वाला। और अभी बस चाय वाय पी के आती हूँ मैं। अपना दाल बनाऊंगी आज, मिक्स वाली दाल बनानी है। वैसे मुझे बनाने तो दाल चावल थे, पर कावे को अचानक से चढ़ गया बुखार। ये ना दोपहर में ट्यूशन से आया, जल्दी चले गए थे, आया तो मेरे को बोल रहा मम्मी मेरी ना तबीयत ख़राब लग रही है। मुझे लगा शायद ऐसी मजाक कर रहा होगा, नहीं तो ये कभी सोता नहीं। और 10 मिनट में सो भी गया। और जब मैंने देखा, मैंने इसको उठाने के लिए जब बोला, उठाने लगी तो फिर इसको एकदम देखा, इतना गर्म हो रखा था, ये तप रहा था। अब दवाई वगैरह दी है और साथ में अब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावल बनाऊंगी तो फिर ये भी खाएगा, इसलिए अब रोटी बनाऊंगी। और दाल के साथ तो वैसे ही हम लोग रोटी कम खाते हैं, पर खानी पड़ेगी। आ गई आवाज़, चावल नहीं बनेंगे कावे, रोटी बनेगी, पर अब मजबूरी है, खानी पड़ेगी रोटी, क्योंकि फिर नहीं तो ये भी मांगेगा। तो चलो फिर दाल वाल बनाती हूँ मैं। आज दोनों बच्चों ने ना इतनी मुश्किल से खाना खाया, क्योंकि ना दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, चावल ही खाए जाते हैं। और चावल अच्छे भी लगते हैं दाल के साथ, पर मजबूरी थी, क्या करती मैं, तो फिर मैंने दाल के साथ रोटी बनाई और बड़ी मुश्किल से दोनों को खिलाई रोटी, क्योंकि अधिकतर हमारे चावल ही बनते हैं। तो बस बच्चों ने खाना खा लिया था और अब हम दोनों खाना खाएंगे। तो वीडियो का बस यही एंड करूँगी। और ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर